चलिए आज हम बनाते हैं बैंगन का भरता। सबसे पहले हमने बैंगन लिए, उनको गैस पर रखना है, अच्छे से फ्लेम पर इसको भून लेना है। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर का छिलका अच्छे तरीके से पक ना जाए और उतरने के लिए तैयार ना हो जाए। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर का छिलका ऑलमोस्ट भून चुका है एंड रेडी है अब ये हमारा बैंगन के भरते के लिए। अच्छे से इसके सारे कॉर्नर्स से इसको भूनना है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अच्छे तरीके से भी हमारा रेडी है। हम अपना मसाला देख लेते हैं। आपको बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ले लेना है। अब आपको बैंगन को ठंडा करके अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। इसके अंदर किसी भी तरीके की गांठ ना हो। जितने अच्छे तरीके से बैंगन मैश होगा उतना ही अच्छे तरीके से आपका भरता तैयार हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बैंगन बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल, प्याज, ये सारी चीज़ें, मसाले तैयार कर लें। प्याज के बाद आपको टमाटर और हरी मिर्च डालना है और उसको अच्छे तरीके से पकने दीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्च और हल्दी, मतलब कि सारे मसाले इसके अंदर हम एक एक करके डालेंगे। अब सारे मसाले पकने तक इसको अच्छे से फ्लेम के ऊपर पकने दीजिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद फिर थोड़ा मसाले को पकने का वेट करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी देगी मिर्च आप डाल सकते हैं अगर आपको सब्ज़ी के अंदर अच्छा कलर चाहिए उसके लिए। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं हमारे मसाला एक दम तैयार हो चुका है बनकर। अब इसके अंदर हम बैंगन डालेंगे जो हमने मैश किए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है पूरे मसाले के अंदर बैंगन, और इसको पकने दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे बैंगन के भरते में कलर भी आ गया है और देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। थोड़ा और इसको पकने दीजिए। जितना अच्छे तरीके से हमारा मसाला बैंगन के भरते के अंदर पकेगा उतना ही इसका स्वाद बढ़ेगा। तो फाइनली अब इसके ऊपर कलर भी आ गया, उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखकर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।